मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो दिग्गज नेता हुए भाजपा में शामिल। कांग्रेस से मचा हलचल। स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश भाजपा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के विषय में, जो कि उपचुनाव से पहले भाजपा में हुए शामिल। तो क्या जानकारी कौन कौन से नेता है, जानने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें। दर्शकों, आपको बता दें कि विंद में कांग्रेस को बड़ा झटका। श्रीकांत चतुर्वेदी ने थामा भाजपा का दामन। दोस्तों, जैसे जैसे एमपी में उपचुनाव की तारीखों नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे दल बदल का सिलसिला तेजी से हो गया है। एक के बाद एक नेता मौके की नज़ाकत को देखते हुए पाला बदल रहा है। एक बार फिर कांग्रेस को दोहरा बड़ा झटका लगा है। विंध्याचल के गद्दावर नेता कांग्रेस नेता श्रीकांत चतुर्वेदी और मुरैना जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्येंद्र सिंह तोमर ने हाथ का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। दोनों नेताओं के आने से विंध्य और चंबल में भाजपा मजबूती मिलना तय है। इसके जानकार खुद ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया ने दिए। शुक्रवार देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद सिंधिया की उपस्थिति में मुख्यमंत्री निवास में श्रीकांत ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। श्रीकांत चतुर्वेदी 2018 विधानसभा चुनाव में महर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार थे, लेकिन कांग्रेस को भाजपा उम्मीदवार नारायण त्रिपाठी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि दोनों के बीच वोटों का अंतर कम था। इस चुनाव में श्रीकांत 51,853 वोट मिले थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार नारायण त्रिपाठी को 54,877 वोट मिले थे। वहीं मुरैना जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और दिमनी विधानसभा से कांग्रेस के प्रबल दावेदार रहे सत्येंद्र सिंह तोमर भी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं पूर्व कांग्रेस नेता मंत्री राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया की उपस्थिति में मुख्यमंत्री निवास में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर शिवराज ने कहा कि आज विंध्य अंचल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीकांत चतुर्वेदी जी और मुरैना जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्येंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आपने जनता के हित को सर्वोपरि रखकर निर्णय लिया है। मैं आज आप दोनों का भाजपा के विशाल परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रीकांत ने कहा है कि सिंधिया टीम में आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मेरे प्रति विश्वास जताया। मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए विंध्य का हर कार्यकर्ता आपके साथ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। माँ शारदा की नगरी मैहर की प्रगति और विकास के लिए साथ मिलकर सदैव कार्य करेंगे।